नमस्कार, मैं हूं राजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि जितने घर अमृत महोत्सव को लेकर कि जितने घर हैं उनमें झंडे रहना अनिवार्य है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग आइए, उनसे बात करते हैं कि अमृत महोत्सव को लेकर क्या तैयारियाँ की गई हैं। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। अमृत महोत्सव के लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे घंटों में झंडा रहना अनिवार्य है सारे घरों में, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है सर, होना चाहिए। हमारा झंडा तिरंगा शान है, अरमान है, ठीक है, मेरा दिल में है। तो जो दिल में है अगर हमको व्याख्या करना है या दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, हम तो कहते हैं हर रूम में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके भी एक रूल होना चाहिए, ठीक है, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोग झंडा दिखाने के लिए गाड़ दिया, उसको झंडा गिर गया, ठीक है, झंडा नीचे गिर गया है, झंडा तो नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेरा देश का वो शान है, ठीक है। क्या कहीं कहीं हम लोग जाते हैं रोड पर देखते हैं बिखरा हुआ है, ठीक है, फटा हुआ है, कुछ लोग झंडे के तो ऊपर से नीचे कर देता है, ठीक है, जाहिल या फट उसको कुछ मालूम नहीं है, बस मालूम चल गया हो कर गया, झंडा लगा दिया, ठीक है, उसको गिर गया, फट गया, उड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कि ये भी सरकार को रूल में होना चाहिए, ठीक है, कि अगर झंडा लगाए हैं तो सही होना चाहिए, सही तरीका से होना चाहिए, ठीक है, उसका सम्मान देना चाहिए। और जैसे हम लोग इस्लामिक है, इस्लामिक झंडा होता है, जैसे हिंदू का भी लोग झंडा होता है, जैसे उसका जो देखने का नज़रिया होता है इज्जत से और प्रतिष्ठा से, तो तिरंगा झंडा का भी इज्जत से और प्रतिष्ठा से होना चाहिए, ठीक है, उसका भी सरकार को ये रूल लगाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कहीं फेंक देता है लोग, कहीं गिरा हो रहता है, ठीक है, सरकार रूल होना चाहिए। आजादी के 76 साल पूरे होने पर क्या कहेंगे? आजादी के 76 साल होने पर लोगों को क्या कहेंगे, लोगों की क्या मैसेज है, क्या सही में आप आजादी अभी महसूस करते हैं 76 वर्ष में होने पर? नहीं, हम आजादी नहीं यही महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हम तो बोलेंगे कि सर ये जो सरकार जो अभी जो सरकार चल रही है, जो योजना जो एक से काल जो लागू कर रही है, जो GST लागू कर रही है, ठीक है, जो फंड पास जो हो रहा है, बस फंड पास होता है नाम के लिए फंड पास हो रहा है, ठीक है, काम के लिए कुछ पास नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो पहले अंग्रेज ही सही था, ठीक है, अंग्रेज सही था जो लूटता था, तो लेकिन लूटता था और हमसे लूटता था और हम ही में खर्च कर देता था। लेकिन अभी की तो सरकार है, हम ही से लूटता है और विदेश उदेश में डाल रहा है, विदेश को बढ़ावा दे रहा है और विदेश में विदेश बैंक में डाल दे रहा है, वहाँ के लोग मेरे पैसा और वहाँ के लोग मैंने जैसे पैसा खर्च यूटिलाइज कर रहे हैं और हम यहाँ जर्जर के जी रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, और सरकार को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम तो सोचेंगे सर कि उस अच्छा हम गुलामी सही थे, हम गुलाम सही थे, ठीक है, या जो मुगल गया सल्तनत काल वही सही था, ठीक है, अभी हम उसे खुश नहीं, उसे संतुष्ट नहीं है हम। आप बोलिए, अमृत महोत्सव को लेकर जो क्या तैयारी, जिस बोला गया है कि हर घर में मतलब झंडे का होना अनिवार्य है, इस पर क्या कहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि होना भी चाहिए। और रही बात कि ये जो 20 करोड़ या कुछ अभव इससे ज़्यादा ही किया झंडा मतलब इंडिया में मतलब फहराया जाएगा, तो उसका फुलफिल के लिए, और ये जो झंडा जो है भारत में उसको जो ना खादी कपड़ा से बनाया था, लेकिन इस बार जो सरकार जो है अपना इसमें सदन में इस चीज़ को भी पारित कर दिया गया है कि मतलब सूती हो या फिर टेलीकोट या अदर कोई भी कपड़ा उस चीज़ का भी बनाया जा सकता है। और उस चीज़ को ये है सब अगर घर में बनाने के लिए किया है, फहराने के लिए बताया कि तो ये चीज़ अच्छा है, लेकिन इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि मतलब 15 अगस्त जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद क्या किए कि मतलब झंडा कहीं गिरा हो गिर जाए फिर उसको कोई सम्मान नहीं करे, तो फिर ये तो अपमान होगा ना। लेकिन सब कोई अपना ख्याल रखे, आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे ही मनाया जा रहा है उस चीज़ का मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अपना जो प्राउड है इंडियन फ्लैग उस चीज़ का सब कोई रेस्पेक्ट करे, बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने देशवासियों को। भारत आज़ाद हो गया, 76 साल पूरे हो गए, इस पर क्या कहेंगे? आप बोलिए, अमृत महोत्सव को लेकर जो बोला गया है झंडा हर घर में रहना चाहिए, कितना बढ़िया है, अच्छी बात है, हर घर में झंडा होना चाहिए, हर घर में हम कहेंगे झंडा फहराना भी हर जगह चाहिए, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ला में झंडा फहराना चाहिए। खुशी की बात है, देश का आज़ादी का दिन है, तो वो भी अच्छी बात है जो सेलिब्रेट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर देश का एक शान ही होता है तिरंगा, अब उसको हर घर में लगाना सर मैं इसे खिलाफ हूँ, अगेंस्ट है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उसका क्या सम्मान है, क्या इज्जत है, ये तो पता होना चाहिए ना। कोई उल्टा लगा देगा, कोई सीधा लगा देगा, कोई रोड पे फेंक देगा, क्या मतलब, उसका सम्मान हम खत्म नहीं होने देना चाहते, उसका सम्मान दिल में रखिए और उसका जो जगह बनाया वहीं पर होना चाहिए। थैंक यू। आम पब्लिक को यही कहना है कि अच्छा एक निर्णय लिया गया है कि अमृत महोत्सव के दौरान कि सारे घरों में झंडा फहराया जाए, इसको लेकर आम जनता ने क्या कहा ये तो आपने सुना ही। आया कि पर्पल की खबर के लिए देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।